हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स इस क्लास में। हम बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में। हम चार लेक्चर ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। अब ध्यान से सुनिए, जो स्टूडेंट पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले उनको वो लेक्चर देखने होंगे, तभी उनके लिए आज की क्लास प्रोडक्टिव हो पाएगी। और वो स्टूडेंट जो लंबा सेटिंग पावर दे सकते हैं, वही इस वीडियो को देखें, बाकी लोग इस वीडियो को ना देखें। ओके गाइस, बात करेंगे आज हम थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में। देखिए, मैं आपको बता दूं, लास्ट क्लास जो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था डिमांड फंक्शन क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा लॉ ऑफ डिमांड। आप देख सकते हैं बोर्ड पर हमने लिखा है लॉ ऑफ डिमांड, के डिमांड का नियम, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए, मैंने यहां लिखा है गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल, तो ये बात आप अपने दिमाग में रखिए कि लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया था, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। एल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड दिया था। अब आप जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए ध्यान से इस फंक्शन की तरफ, पहले क्या है ये फंक्शन, यहां लिखा है डी एक्स, क्या मतलब होगा डी एक्स का, डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी। एफ का क्या मतलब है, फंक्शन ऑफ डिपेंड्स अपॉन पी एक्स, क्या है पी एक्स का मतलब, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। यानी अगर लॉ ऑफ डिमांड का फंक्शन लिखना पड़े तो वो ये क्या बता रहा है, ये फंक्शन एक्स की डिमांड डिपेंड करती है एक्स कमोडिटी के प्राइस पे, एक्स की डिमांड डिपेंड करती है एक्स कमोडिटी के प्राइस पे। और बाहर क्या लिखा है, ओ एफ, सर के ऊपर एरो, अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट। तो अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है तो एक्स की डिमांड डिपेंड करती है एक्स के प्राइस पे। अदर फैक्टर कांस्टेंट वाली बात को क्या बोलते हैं, सेटरस पेरिबस। कम से कम 5 बार हम डिस्कस कर चुके हैं सेटरस पेरिबस क्या होता है, अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखना। यानी कहने का मतलब एक्स की डिमांड पे सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स असर डाल सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो हमने डिमांड फंक्शन में पढ़ा था। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या कहते हैं, एक्स की डिमांड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्स के प्राइस का असर पड़ता है, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या पड़े हैं, कॉन्स्टेंट। यानी कहने का मतलब ये कि जब हम ये लॉ पढ़ रहे हैं तब हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, हमारी अजम्पशन है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि अदर फैक्टर क्या पड़े हैं, कांस्टेंट पड़े हैं। अगर अदर फैक्टर कांस्टेंट हो, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा हो, अदर फैक्टर मतलब क्या, देखिए अजम्पशन हमारी, अदर फैक्टर कांस्टेंट, यानी हमारी अजम्पशन क्या, सबसे पहली अजम्पशन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये जो एक्स कमोडिटी है इसका कोई सब्स्टिट्यूट अगर मार्केट में है तो उसका प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फिर है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डू नॉट चेंज, कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आपको डिटेल में बताया है सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में नहीं देखे तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर में प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम रहना चाहिए। एनी अदर फैक्टर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, इसके अलावा वो सारे फैक्टर जो एक्स की डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सब के सब कॉन्स्टेंट रहने चाहिए। यानी बदलाव जो होगा, चेंज जो होगा, परिवर्तन जो होगा, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली एक्स के प्राइस के अंदर वो चेंज होने वाला है। तो यानी सिर्फ और सिर्फ प्राइस बदलेगा, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, यही हमारी अजम्पशंस हैं। ओके गाइस, जब भी कोई लॉ पढ़ेंगे तो उसके साथ कुछ अजम्पशंस होती है, और हम देखते हैं कि जब बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रखकर चलते हैं तो प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अपोजिट रिलेशनशिप होता है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन बॉक्स को, यहां लिखा है पी एक्स, पी एक्स मतलब एक्स का प्राइस, पी एक्स का क्या मतलब है यहां पे, प्राइस ऑफ एक्स। ये है डी एक्स, डी एक्स मतलब डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी। तो हम क्या कह रहे हैं, जब एक्स का प्राइस बढ़ेगा तो एक्स की डिमांड कम होगी, एक्स का प्राइस डाउन होगा तो एक्स की डिमांड बढ़ेगी, दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जो बोर्ड पे लिखी है। द लॉ स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, the law states that there is inverse relationship between price and quantity demanded, between price and quantity demanded, एक कमोडिटी के प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कंडीशन क्या है, अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, यानी कि
सेटरस पेरिबस, ये जो बात लिखी है कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, उसको क्या बोलते हैं, सेटरस पेरिबस। एक्चुअली आप ये बात समझ चुके हैं ऑलरेडी, जब हमने डिमांड कर पढ़ा था, जब हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा था, तब आप ये बात पढ़ चुके हैं, तो बहुत आसान है, इसलिए मैं इसको फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखिए, इसको हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है प्राइस, एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया डिमांड, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। ठीक, अब देखिए, जब पी प्राइस था, हम ए पॉइंट पे थे, डिमांड कितनी थी क्यू, अब प्राइस रेज हुआ, इंक्रीज हुआ, प्राइस पी से कितना चला गया, इंक्रीज होके पी वन हो गया। तो जैसे ही प्राइस पी वन होता है, उसकी जैसे ही प्राइस पी वन होता है, उसकी डिमांड क्यू से क्या हो जाती है, क्यू वन, हम बी पॉइंट पे आ जाते हैं, प्राइस पी वन होती है और डिमांड क्यू से क्यू वन होती है। प्राइस डाउन होता है पी से पी टू, ए पॉइंट से सी पॉइंट पे चले जाते हैं, क्वांटिटी इंक्रीज होती है। तो प्राइस के डाउन होने पर क्वांटिटी इंक्रीज होती है, प्राइस के हाई होने पर क्वांटिटी डिक्रीज होती है। ये ए बी और सी, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाया तो एक लाइन आई, एक कर्व आया हमारे सामने डी डी, जिसको हमने क्या नाम दिया डी डी। यही क्या है हमारा डिमांड कर्व है। देखिए ये क्या लिखा है, डिमांड कर्व। तो ये डी डी हमारा डिमांड कर्व है। तो क्या कंक्लूजन निकला, क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट। वेल इन दैट केस देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। सेटरस पेरिबस इज आवर अजम्पशन। सो उस अदर फैक्टर को कॉन्स्टेंट रखने वाली बात को हम यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट का प्राइस कॉन्स्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कॉन्स्टेंट, कंज्यूमर की इनकम कॉन्स्टेंट, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कॉन्स्टेंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और प्राइस में चेंज की वो भी नहीं होनी चाहिए, वो भी कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, और कोई भी ऐसा फैक्टर जो कमोडिटी की डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकता है वो कॉन्स्टेंट पड़ा है, यानी चेंज सिर्फ प्राइस में होगा। ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप। अब अगर मान लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम भी साथ साथ चेंज हो जाए, जो हमने एजम्पशन लिया है वो एजम्पशन लागू ना हो, एजम्पशन के अगेंस्ट चले जाएं हम, तब क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तुम डिमांड डाउन करोगे, प्राइस बढ़ेगा तो तुम डिमांड डाउन करोगे, लेकिन साथ साथ अगर इनकम बढ़ गया, इनकम इंक्रीज हो गई, तो क्या तुम डिमांड डाउन करोगे, जरूरी नहीं है ऐसा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड है प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप। जब आप प्राइस का इंपैक्ट समझना चाहते हो डिमांड पे, तो ये जरूरी है इनकम को कांस्टेंट लो, बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट लो। इसलिए हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मानकर चलते हैं, तब हम देखते हैं यहां प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो गाइज इसके बारे में आपने अगर पिछले वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो आप इन सारी चीजों के बारे में अवेयर हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि इसके क्वालिटीज क्या है या फीचर्स क्या है लॉ ऑफ डिमांड के, वो इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड आप जानते हैं, अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तब तक आप अगर इसको उतारना चाहते हैं आप उतार लीजिए। तो गाइस अब बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। तो क्या क्वालिटीज है, क्या फीचर है, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं लॉ ऑफ डिमांड की, उसको समझते हैं। सबसे पहला देखिए क्या लिखा है, इनवर्स रिलेशनशिप। लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप होता है, सेटरस पेरिबस अदर फैक्टर को कॉन्स्टेंट रखते हैं, तब हम क्या देखते हैं प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड को शो करता है, इसीलिए डिमांड कर्व इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। फिर देखिए वन साइडेड, ये लॉ ऑफ डिमांड जो है ये वन साइडेड है। वन साइडेड का क्या मतलब है, इसको इस इक्वेशन से समझते हैं। देखिए वन साइडेड का मतलब है लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस चेंज होता है और उसका असर डिमांड पे पड़ता है। चेंज इन प्राइस एंड इफेक्ट किस पे आएगा, डिमांड पे। यानी कि हम यहां समझते हैं प्राइस का डिमांड पे असर, देखिए यहां राइट लगाया मैंने, प्राइस का डिमांड पे असर समझते हैं। वन साइडेड है, वापस नहीं बताता ये लॉ ऑफ डिमांड। बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर डिमांड बदल जाए तो प्राइस बदलता है ना, बिल्कुल बदलता है बेटा, लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड में नहीं बदलता, इसके लिए अलग चैप्टर है प्राइस डिटर्मिनेशन। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर प्राइस बढ़ेगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। यानी कहने का मतलब ये इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में, लेकिन वन साइडेड जर्नी है, एक तरफ जाना है, वन साइडेड जर्नी है। क्या मतलब है वन साइडेड जर्नी का,
प्राइस का डिमांड पे असर पड़ते हैं हम यहां, ठीक है। अब दूसरी टेबल बॉक्स देखिए, क्या लिखा है यहां, एरो कहां जा रहा है, डिमांड से प्राइस की तरफ। डिमांड बदलती है तो भी प्राइस बदलता है। इन जनरल, इन रूटीन लाइफ हम क्या देखते हैं, किसी कमोडिटी की जब डिमांड इंक्रीज होती है तो उसका प्राइस भी इंक्रीज होता है। जिस चीज की डिमांड बढ़ती जाएगी उसका प्राइस भी बढ़ता जाएगा, और डिमांड कम होती जाएगी तो प्राइस भी कम होता जाएगा। यानी डिमांड का भी प्राइस पे असर तो पड़ता है। क्या लॉ ऑफ डिमांड में ये असर पड़ रहे हैं क्या हम? नहीं, ये लॉ ऑफ डिमांड के अंदर नहीं पड़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या पढ़ते हैं, केवल प्राइस का डिमांड पे असर। डिमांड का प्राइस के ऊपर जो इंपैक्ट आएगा वो लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड वन साइडेड कॉन्सेप्ट है जो प्राइस का डिमांड पे इंपैक्ट बताता है, और प्राइस का डिमांड के ऊपर इंपैक्ट नेगेटिव आता है। इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली प्रपोज, इनवर्सली कनेक्टेड है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप है और वन साइडेड है। क्लियर हुई बात आपको? तो लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। अगर आपसे पूछे कि क्या क्वालिटीज है या क्या समझते हैं आप लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ने पर, या क्या फैक्ट नजर आया आपको, तो आपको पहला जवाब क्या देना होगा, इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। दूसरा जवाब क्या दोगे, सर ये वन साइडेड होता है, प्राइस का डिमांड पे असर बताता है, डिमांड का प्राइस पे इंपैक्ट इसको नहीं एक्सप्लेन करता, सिर्फ प्राइस का डिमांड पे इंपैक्ट वन साइडेड है। उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। देखिए यहां पे थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, क्वालिटेटिव, क्वालिटी बताता है नॉट क्वांटिटेटिव। क्या शो करता है ये, क्वालिटी शो करता है, क्वांटिटी शो नहीं करता। ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं। अब सवाल ये उठता है, सर क्या होती है क्वालिटी और क्या होती है क्वांटिटी, आइए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमने यहां तीन टेबल बनाई है, देखिए ध्यान से। पहली टेबल में प्राइस डिमांड, दूसरी में भी प्राइस डिमांड, तीसरी में भी हमने क्या लिया है, एक्स का प्राइस और एक्स की डिमांड ली है। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट टेबल में प्राइस है 10, डिमांड है 8। सेकंड टेबल में भी प्राइस है 10, डिमांड है 8। थर्ड टेबल में भी प्राइस है 10, डिमांड है 8। प्राइस डिक्रीज हुआ है तीनों में। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, जब प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होती है, जब प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो डिमांड देखिए यहां 100 से हो जाती है 140, सेकंड टेबल में डिमांड हो जाती है 100 से 120, और यहां डिमांड हो जाती है 100 से 110। यानी तीनों ही टेबल में प्राइस डाउन हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है। दिस इज क्वालिटी। क्या है क्वालिटी, इनवर्स रिलेशनशिप है भैया। ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है ना, यही क्वालिटी है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड में, ये क्वालिटी है। अब क्वांटिटी नहीं बताता ये, क्वांटिटी क्या होता है वो ध्यान से देखिए। अब हम इन तीनों टेबल को थोड़ा और डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं। देखिए यहां हमने देखा प्राइस 10 to 8 हुआ, जब प्राइस 10 to 8 रिड्यूस हुआ तो कितना परसेंट चेंज हुआ प्राइस में, 20% चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ, 20% चेंज हुआ प्राइस में, और क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, 100 to 140, 40% चेंज हुआ प्राइस में। चेंज 20%, प्राइस 20% से कम हुआ और क्वांटिटी 40% से इंक्रीज हो गई। प्राइस 20% से डाउन हुआ और क्वांटिटी 40% से इंक्रीज हो गई। यानी आप क्या कह सकते हैं, सर ये वाली जो टेबल है ना, इसमें टू टाइम्स चेंज हो रहा है प्राइस के कंपैरिजन में, क्वांटिटी के अंदर दो गुना चेंज हो रहा है क्वांटिटी के अंदर प्राइस के कंपैरिजन में, टू टाइम्स, ठीक है। अब ये टेबल देखिए, प्राइस में कितना चेंज हुआ है, 10 to 8, 20%, क्वांटिटी 100 to 120, कितना परसेंट चेंज हुई, क्वांटिटी भी 20%। तो जितना प्राइस में चेंज उतना क्वांटिटी में चेंज, तो आप क्या बोलोगे, वन टाइम चेंज हो रहा है सर, वन टाइम चेंज हो रहा है। यहां क्या कहोगे, प्राइस 10 to 8, 20% चेंज, क्वांटिटी 100 to 110, कितना चेंज हुआ, 10%। भाई यहां देखो जितना प्राइस बदला उससे डबल, टू टाइम्स क्वांटिटी बदली। यहां जितना प्राइस बदला उससे उसके इक्वल, यानी वन टाइम क्वांटिटी चेंज हुई। यहां क्या बोलोगे आप, जितना प्राइस चेंज हो रहा है उसका आधा क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। यानी आप ये बोलोगे, जीरो पॉइंट फाइव टाइम्स, ठीक है। ये जो बात है, ये टू टाइम्स, वन टाइम्स, 0.5 टाइम्स, ये क्वांटिटी होती है, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। ये क्वांटिटी की बात हम लॉ ऑफ डिमांड में नहीं करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक जब कंप्लीट होगा तो डिमांड के सेकंड पार्ट में हम आएंगे, जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो
तो ये वाले जो रिलेशनशिप है ना, प्राइस बदलने पर क्वांटिटी ने कितना रेस्पॉन्स किया, यहां डबल रेस्पॉन्स किया टू टाइम्स, यहां कितना रेस्पॉन्स किया इक्वल बराबर रेस्पॉन्स किया वन टाइम, यहां कितना क्वांटिटी ने रेस्पॉन्स किया 20% प्राइस में चेंज, क्वांटिटी में 10%, तो क्वांटिटी ने प्राइस के कंपैरिजन में आधा रेस्पॉन्स किया। तो ये वाली जो चीजें हम समझते हैं, ये समझेंगे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट में। तो लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ ये कहता है प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ेगी, वाइस वर्सा कर लो, प्राइस बढ़ेगा 8 to 10 डिमांड कम हो जाएगी, बस। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ इतनी बात को ही एक्सप्लेन करता है। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ ये बताता है दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। वो ये नहीं बताता प्राइस बदलने पर क्वांटिटी कितना रेस्पॉन्ड कर रही है, कितना कैसे रेस्पॉन्ड कर रही है, सिर्फ ये बता रहा है वो क्वालिटी है। कैसे मतलब क्या हुआ, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, दिस इज क्वालिटी कैसे। लेकिन वो ये नहीं बता रहा कितना चेंज, कितना चेंज की बात लॉ ऑफ डिमांड नहीं करता, कौन करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ कैसा स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताऊंगा तब क्या बताऊंगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ डिमांड नहीं है, नॉट क्वांटिटेटिव, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। ओके गाइज, फिर नंबर 4 पे पढ़ते देखिए, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब यह है जितना प्राइस बदलेगा हमेशा उतनी क्वांटिटी बदलेगी क्या, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। यह कमोडिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, जो आगे हम डिटेल में समझेंगे। क्या लिखा है, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। तो इलास्टिस लॉ ऑफ डिमांड जो है वो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप शो नहीं करता। मतलब ये कि अगर प्राइस में 10% चेंज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है, तो जरूरी नहीं है क्वांटिटी 10% डिक्रीज होगी। क्वांटिटी 10% डिक्रीज हो सकती है, 10% से ज्यादा डिक्रीज हो सकती है, 10% से कम डिक्रीज हो सकती है। आप देख सकते हो इस टेबल में प्राइस में कितना चेंज हुआ था, 20% प्राइस डिक्रीज हुआ था। क्वांटिटी 20% से ज्यादा भी इंक्रीज हो सकती है, 20% के बराबर इंक्रीज हुई और 20% से कम इंक्रीज हुई, यानी किसी भी प्रोपोर्शन में क्वांटिटी रेस्पॉन्ड कर सकती है। जरूरी नहीं है जिस परसेंटेज से प्राइस बदला है उतना ही क्वांटिटी बदलेगी। यानी कहने का मतलब लॉ ऑफ डिमांड ना तो क्वांटिटी शो करता है और ना ही प्रोपोर्शन शो करता है। क्वांटिटी की बात और प्रोपोर्शन की बात करेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड नहीं करेगा। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ क्वालिटी बताता है, प्रोपोर्शन के बारे में वो साइलेंट है, कुछ नहीं बताता। लॉ ऑफ डिमांड कहता है मैं वन साइडेड स्टेटमेंट हूं, लॉ ऑफ डिमांड कहता है मैं इनवर्स रिलेशनशिप शो करता हूं। क्लियर है आपको? तो ये है लॉ ऑफ डिमांड के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है, ये बातें क्यों हो रही है, इसके बारे में बात करते हैं। यानी अब हमारा जो टॉपिक है अगला वो है व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों होता है। तो गाइस अब बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों होता है, क्यों अदर फैक्टर कांस्टेंट रहने पर, प्राइस बढ़ने पर डिमांड डिक्रीज होती है और प्राइस के डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होती है। यानी अभी हम उन रीजंस पे बात करेंगे जिसकी वजह से डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, तो देखिए हेडिंग हमारी व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों होता है, यानी क्यों इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड डिमांड के बीच में, या Why does demand curve slopes downwards to the right? Demand curve क्यों negatively sloped होता है, उसके पीछे reasons क्या है। तो total हम 5 reasons पे बात करेंगे। पहला होगा income effect, दूसरा होगा substitution effect, तीसरा होगा change in number of buyers, number 4 पे होगा various uses of a commodity and number 5 होगा law of diminishing marginal utility। हम सबसे पहले पे बात कर रहे हैं अभी, सबसे पहला है हमारा इनकम इफेक्ट। क्या है इनकम इफेक्ट, गौर से सुनिए। जब किसी कमोडिटी का प्राइस बदलता है, बिकॉज हमारी इनकम कांस्टेंट है, जब किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो हमारी परचेजिंग पावर बदल जाती है। हमारी परचेजिंग पावर का बदल जाना क्या कहलाता है, इनकम इफेक्ट कहलाता है। हमारी परचेजिंग पावर का बदल जाना क्या कहलाता है, इनकम इफेक्ट कहलाता है। इस इनकम इफेक्ट को समझाने के लिए मैंने यहां एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया, ध्यान से देखिए। यू मानते हैं मेरे पास एक 100 रुपए का नोट था, 100 रुपी नोट था, 100 रुपए का नोट था।
मैं मार्केट में कमोडिटी परचेज करने जाता हूं जिसका प्राइस है 10 रुपीज, 10 रुपए उसका प्राइस है। मेरे पास 100 का नोट है, 100 रुपया है और कमोडिटी का प्राइस 10 रुपए है, 10 रुपीज है, मैं कितनी यूनिट्स परचेज कर पाऊंगा, कितनी है उस 100 के नोट का परचेजिंग पोटेंशियल, परचेजिंग पावर, कितनी यूनिट्स, 10 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स खरीद सकते हैं आप उससे, 10 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। अब मेरे पास रुपया उतना ही है 100, ठीक है, क्योंकि अदर फैक्टर हमने कॉन्स्टेंट रखे हैं, लेकिन प्राइस उस कमोडिटी का डाउन हो जाता है 10 to कितना हो जाता है 5, प्राइस 10 से कितना हो जाता है 5 रुपए हो जाता है, 5 रुपीज हो जाता है। अब उस 100 के नोट की परचेजिंग पावर कितनी हो गई, 20 यूनिट्स। कितनी हुई 100 के नोट की परचेजिंग पावर, 20 यूनिट्स हो गई। अब पहले 10 यूनिट आ रही थी, अब उसी 100 के नोट में कितनी यूनिट आने लगी, 20 यूनिट्स। यानी हमारी परचेजिंग पावर बढ़ी कि नहीं बढ़ी, परचेजिंग पावर को बोलते हैं रियल इनकम। क्या बोलते हैं, रियल इनकम भी बोलते हैं। तो देखिए ध्यान से, जब प्राइस डाउन हुआ 10 to 5 हुआ, जैसे ही प्राइस डाउन हुआ आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी। परचेजिंग पावर का दूसरा नाम क्या, रियल इनकम। आपकी रियल इनकम बढ़ी, जब आपकी रियल इनकम बढ़ी, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी, तो आप ज्यादा परचेज कर सकते हो। 10 से कितना परचेज कर सकते हो, 20 यूनिट्स परचेज कर सकते हो। ओके, अब मान लीजिए प्राइस इंक्रीज हुआ 10 to 20 हुआ, प्राइस बढ़ गया 10 to 20 हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, हम ये मानकर चल रहे हैं 10 से 20 हुआ प्राइस। अब उसी 100 के नोट की परचेजिंग पावर या रियल इनकम कम हो गई, अब उसी 100 के नोट में कितना खरीद सकते हो, केवल 5-10 की बजाय अब कितना परचेज होता है, 5 यूनिट्स। तो कहने का मतलब, जब प्राइस हाई होता है तो रियल इनकम डिक्रीज होती है, परचेजिंग पावर डिक्रीज होती है, इस वजह से तुम्हारी डिमांड डिक्रीज होती है। तो प्राइस बदलने की वजह से जब तुम्हारी परचेजिंग पावर या रियल इनकम चेंज होती है, इसी को हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। तो आइए अब डेफिनेशन पे बात करते हैं। देखिए, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन रियल इनकम और परचेजिंग पावर। देखिए मैंने अंडरलाइन किया रियल इनकम और परचेजिंग पावर को, चेंज इन डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन रियल इनकम और परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर कॉज्ड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब एक कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो कंज्यूमर की रियल इनकम या परचेसिंग पावर बदलती है, उस रियल इनकम या परचेसिंग पावर के चेंज होने से डिमांड बदलती है। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट बोलते हैं। इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, इनकम इफेक्ट बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं, प्राइस डाउन होने पर रियल इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस हाई होने पर रियल इनकम कम होती है और डिमांड डिक्रीज हो जाती है। यह है इनकम इफेक्ट। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में। तो गाइस, बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ कनेक्टेड है। आप जानते हैं, गुड्स और सर्विसेज विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। उसको सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। जैसे रिबॉक, एडिडास, प्यूमा, नाइकी, वुडलैंड, ये सारे क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, देखिए जब कोई कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो उसके सब्स्टिट्यूट्स, बिकॉज अदर फैक्टर कांस्टेंट है, उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एक कमोडिटी का प्राइस बदल रहा है, सब्स्टिट्यूट का प्राइस वही पड़ा है। तो सब्स्टिट्यूट्स रिलेटिवली महंगे या सस्ते लगने लगते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, एक्स महंगा हुआ, एक्स महंगा हुआ, मान लीजिए एक्स है रिबॉक। क्या है एक्स, रिबॉक। मैं कह रहा हूं एक्स का प्राइस हाई होता है तो एक्स की डिमांड कम हो जाती है, रिबॉक महंगा होता है तो रिबॉक की डिमांड कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जब एक्स महंगा होगा यानी रिबॉक महंगा होगा तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या लगने लगेगा, अपने को कंपैरेटिवली चीपर लगने लगेगा, सस्ता लगने लगेगा। रिबॉक महंगा होगा तो एडिडास सस्ता लगने लगेगा और हम लोग एडिडास पे शिफ्ट होंगे तो एक्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जब एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होते हैं तो उसके सब्स्टिट्यूट्स के प्राइस रिलेटिवली चीपर या कॉस्टलियर हो जाते हैं, इस वजह से डिमांड बदलती है। इसको रिवर्स करके देखते हैं, अगर रिबॉक का प्राइस डाउन हो जाता है, एक्स का प्राइस डाउन हो जाता है, एक्स कौन है, रिबॉक, एक्स का प्राइस डाउन हो जाता है तो उसका सब्स्टिट्यूट जो भी है मार्केट में, एडिडास है, प्यूमा है, नाइकी है, जो भी है, वो महंगे लगने लगते हैं कंपैरेटिवली। उनके प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज केवल किसमें हो रहा है, एक्स के प्राइस में, तो वो रिलेटिवली महंगे लगने लगेंगे। तो रिबॉक का प्राइस डाउन होने पर जो लोग एडिडास कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज एडिडास का प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, एडिडास कॉस्टलियर लगने लगा, एडिडास यूज करने वाले रिबॉक पर शिफ्ट होंगे और रिबॉक की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या है डेफिनेशन, इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट। एक कमोडिटी की डिमांड के ऊपर सब्स्टिट्यूट गुड्स का इंपैक्ट जब वो कमोडिटी का प्राइस बदलता है। क्या कह रहा हूं, एक्स महंगा होता है तो सब्स्टिट्यूट लगने लगते हैं
चीपर, एक्स का प्राइस हाई होता है तो सब्स्टिट्यूट लगने लगते हैं चीपर, और एक्स की डिमांड कम होती है क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट होते हैं। एक्स का प्राइस डाउन होता है तो सब्स्टिट्यूट रिलेटिवली कॉस्टलियर लगते हैं, सब्स्टिट्यूट यूज करने वाले एक्स को यूज करेंगे, एक्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ये था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स के बारे में। गाइस नेक्स्ट पॉइंट है अपना चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स। क्या है ये पॉइंट, गौर से सुनिए। जब किसी कमोडिटी का प्राइस रिड्यूस होता है तो कुछ नए लोग उसे परचेज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्राइस रिड्यूस होने से पहले वो उनके अफोर्डेबल बजट में नहीं था, लेकिन जैसे ही प्राइस डाउन हुआ अब वो उसको परचेज कर सकते हैं, उनके इनकम के हिसाब से अब वो उसको खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, इसलिए उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। बिगिनिंग में इनिशियली जब मोबाइल फोन आए थे तो बहुत महंगे हुआ करते थे, बहुत कम फीचर के साथ बहुत महंगे प्राइस पे नॉर्मल फोन बिक रहे थे। अगर हम लैपटॉप्स की बात करें तो शुरुआत में बहुत महंगे हुआ करते थे लैपटॉप्स। अगर हम बात करें एयर कंडीशनर की तो एयर कंडीशनर भी शुरुआत में जब नए नए आए थे तब वो बहुत महंगे हुआ करते थे, लेकिन फिर धीरे 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 कॉम्पिटिशन बढ़ने से प्राइस डाउन हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज होने से प्राइस डाउन हुआ, और जैसे जैसे प्राइस डाउन हुआ नए लोग ऐड होते गए उसको परचेज करने के लिए, उस वजह से उनकी डिमांड बढ़ गई। तो आइए इस पॉइंट को समझते हैं क्या लिखा है हमने। देखिए जब एक्स कमोडिटी का प्राइस डाउन होता है या जब किसी कमोडिटी का प्राइस डाउन होता है तो कुछ नए लोग मार्केट में आते हैं उसको परचेज करने के लिए, एंट्री ऑफ न्यू बायर्स, नए लोग आएंगे मार्केट में उसको खरीदने के लिए, उस वजह से उस कमोडिटी की मार्केट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। जब किसी कमोडिटी का प्राइस हाई हो जाए, अगर उल्टा ले हाई होगा तो कुछ लोग उसका कंजम्पशन करना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, एग्जिट ऑफ एग्जिस्टिंग बायर्स, उस वजह से डिमांड कम हो जाएगी। तो एक रीजन ये है चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स। पहला रीजन क्या था, इनकम इफेक्ट। दूसरा क्या था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तीसरा क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स। अब बात करते हैं वेरियस यूजेस ऑफ अ कमोडिटी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है अपना वेरियस यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी के वेरियस यूजेस। देखिए ये वाला पॉइंट स्पेसिफिकली उन्हीं कमोडिटीज के लिए है जिनके वेराइटी ऑफ यूजेस पॉसिबल है, जैसे कि मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी, आयरन, स्टील। ये पॉइंट स्पेसिफिकली उनके ऊपर अप्लाई होने वाले लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं। हम मिल्क के एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैंने यहां लिखा है मिल्क, और हम जानते हैं मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। मिल्क से, दूध से दही बनता है, छाछ बनता है, पनीर बनता है, चीज बनता है, बटर बनता है, चॉकलेट बनती है, आइसक्रीम बनती है, मावा बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क जो वेराइटी ऑफ यूजेस में काम में आता है वो महंगा हो जाए तो मिल्क के महंगे होने पर मिल्क से बनने वाले सारे के सारे प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। ये सारे प्रोडक्ट्स महंगे होंगे तो इन सारे प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, एज अ रिजल्ट मिल्क की डिमांड भी कम होगी। अगर मिल्क सस्ता हो जाए, चीप हो जाए, मिल्क का प्राइस डाउन हो जाए तो मिल्क से बनने वाले सारे प्रोडक्ट चीप हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। इनके सस्ते होने से, प्राइस डाउन होने से इनकी डिमांड बढ़ेगी, इनकी डिमांड बढ़ने की वजह से मिल्क की डिमांड भी बढ़ेगी। तो एक कमोडिटी जिसके वैरायटी ऑफ यूजर्स है उसका प्राइस डाउन होने पर इसलिए उसकी डिमांड बढ़ती है क्योंकि उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, या उसके प्राइस हाई होने पर उसकी डिमांड इसलिए कम होती है क्योंकि उससे बनने वाले प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है क्योंकि वो महंगे हो जाते हैं इसलिए। तो ये पॉइंट स्पेसिफिकली उन्हीं चीजों के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाती है तो हम इलेक्ट्रिसिटी को रिस्ट्रिक्टेड यूज में लेना शुरू कर देते हैं, जहां ज्यादा जरूरी नहीं है वहां इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं करते हैं या कंजम्पशन कम कर देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क, आयरन, स्टील, ये सारे उसी के एग्जांपल है। तो ये फोर्थ पॉइंट हुआ। फिफ्थ पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये वाला पॉइंट है आगे आने वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ, तो अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी हम इसको स्किप करेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अभी नहीं पढ़ेंगे, इस पॉइंट को हम स्किप करने वाले हैं। हम अभी चार ही पॉइंट पढ़े हैं, क्यों ऑपरेट होता है लॉ ऑफ डिमांड, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व क्यों होता है डिमांड कर्व। पहला रीजन क्या था, इनकम इफेक्ट। दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तीसरा क्या था, चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स। और नंबर चार पे क्या है, वेरियस यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। नंबर पांच पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये पांच रीजन होते हैं जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगला टॉपिक होगा अपना एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्या लॉ ऑफ डिमांड के कोई एक्सेप्शन है, अपवाद भी है, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।